आपका स्वागत है, मैं अरशाद पंडित। आखिरकार जायदा जिंदगी की मौत की जंग जो लड़ रही थी पिछले 6 दिनों से, सिक्किम आजाद जंग हार चुकी है और उसकी डेड बॉडी उसके आबाई गांव यानी पेरेंटल विलेज में पहुंच चुकी है। इस वक्त लाखों की तादाद में पूरे एरिया के लोग जमा हो चुके हैं, जनों मर्द मातम जदा है और एजाज कर रहे हैं कि इस बेटी को इंसाफ मिलना ही चाहिए। मगर सवाल देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन को देखाऊंगी, विजुअल पूरे इलाके के लोग यहाँ पे जमा है और जमा है यहाँ पे नाराबाजी कर रहे हैं कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो हम भी चाहते हैं, तो यहाँ पे जो नौजवान है पूरे इलाके में, तो मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊं कि विजुअल दिखाए, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप सीधे लाइव आए और यहाँ पे मैं जो इस वक्त तो जो लोग चाहते हैं यहाँ पे चाहते हैं कि इंसाफ इस बेटी को मिलना चाहिए। आखिरकार
जो मौत होता है मौत का प्याला इस लड़की ने पी लिया है और ये इस आज फिर भी इसका शिकार हो चुकी है। अल्लाह इसको मकबूलियत करे, मगर लोग पूरे इलाके के लोग लाखों की तादाद में लोग मरे जन घरों से बाहर आके एहतजाज कर रहे हैं कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। बात करेंगे एक लोकल के साथ, क्या चाहते हैं हम लोग? We want justice from the LG administration because it is not the daughter of one person, it is daughter of whole humanity. Whole humanity is raging right now. You can see tears in all the eyes. All the area has got together here. हर जगह पे, हर इलाके, इस इलाके में हर जगह पे यही आवाज आ रही है कि इस कातिल को फांसी तक पहुंचाया जाए। तो लोग घूमते हैं, मैं अपने कैमरामैन को औरतों की तरफ दिखाना चाहूंगा कि औरतें भी इस वक्त सर पर एहतजाज है, औरतें भी इस वक्त ये मांगते हैं कि जो सबके आंखें दम है और सब रो रहे, चाह रो रहे, वो नाराबाजी भी करते हैं कि बेटी को इंसाफ मिलना ही चाहिए। मैं आपके तक ए टू जेड पहुंचाता रहूंगा, अगर यहाँ पे मुझे मौका मिला। और मैं देखा है कि लड़कियां, औरतें, जन, बूढ़े, नौजवान, सारे के सारे पूरे इलाके में तकरीबन लाखों की तादाद में लोग आ चुके हैं यहाँ पे इस बेटी के जनाजे में शिरकत के लिए। मगर साथ साथ में ये लोग सब कहते हैं कि इस बेटी को इंसाफ आज मिलना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को कहीं न कहीं से जो यहाँ पे नाइंसाफी इन बेटियों के साथ हो रही है वो आज के बाद नहीं होना चाहिए। तो ये लोग चाहते हैं कि जिसने कत्ल किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, उस खानदान को सजा मिलना चाहिए। इनके मुताबिक इस बेटी को कत्ल किया गया है, इनको पूरा यकीन है कि उस बेटी को कत्ल किया गया है। और सिक्किम्स में आज 6 दिन के बाद इस बेटी ने अपना जंग जो है वो हारा है और इसकी डेड बॉडी इस वक्त हम आपको ग्राउंड जीरो पे दिखा रहे हैं। इस वक्त इसकी डेड बॉडी पैरेंटल विलेज में आ चुकी है और इसके आत्मा में तहफ़ के लिए यहाँ पे इंतजाम हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो पुलिस SSP बारामूला ने कल ट्वीट करके ये कहा कि इनको इंसाफ मिलेगा और इनको हम सजा कल्प्रिट्स को सजा मिलेगा। हमें उम्मीद है बारामूला पुलिस के साथ पुलिस के कि वो इनको इस बेटी को इंसाफ देने में अपना भरपूर ताउन पेश करेंगे। मैं इरशाद पंडित, ग्राउंड जीरो से वारपुरा से।